जैसे सॉफ्ट इडली सूजी हमारा बनके तैयार है दोस्तों। बहुत काफी टेस्टी इडली बनके तैयार है, देख सकते हैं आप लोग। मुंह में जाते समय दोस्तों इडली घुल जाएगा दोस्तों, बिना दांत के लोग भी खा सकते हैं। सूजी का दोस्तों कोई भी चीज नाश्ता आप नहीं, बिना दांत के लोग खा सकते हैं उसको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बनके तैयार है, यहाँ पे देखिए बिना सांचे बिना मशीन के दोस्तों इडली को हम बना रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हमारे वीडियो में देखिए दोस्तों छोटे छोटे बात की जानकारी लीजिए, क्या चीज दोस्तों डालते हैं कि इडली हमारा रूई जैसे फूलता है दोस्तों, और रूई जैसे मुलायम रहता है, सॉफ्ट रहता है इडली हमारा। चलिए दोस्तों रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, संध्या के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज संध्या के किचन में बनने चल रहा है रूई जैसे दोस्तों बिल्कुल सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली इडली दोस्तों, बनेगा सूजी रवे का। तो दोस्तों कैसे आसान तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, आज बच्चों का फरमाइश है कि आप सूजी का इडली बनाइए पहले। तो बच्चे हमारे बहुत चाव से खाते हैं इसको, आप बच्चे के टिफिन के लिए भी दे सकते हैं इडली बनाकर। तो चलिए दोस्तों इडली बहुत आसान तरीका बनाना, अब मात्र दोस्तों दो चीज से बनाकर इडली को हम तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इडली को। इडली दोस्तों कैसे देखते हैं कि सॉफ्ट बनता है, रुई जैसे बनता है दोस्तों। ये देखिए सूजी यहाँ पे रवा आप लोग बोलते हैं इसको, देखिए बिल्कुल बारी वाला हम लिए हैं, आप लोग को करीब से भी दिखा दे रहे हैं, बिल्कुल बारी हुए लिए हैं इसको हम। आपका थोड़ा सा मोटा है तो मिक्सर जार में डालकर आप थोड़ा सा मिक्सर को चला सकते हैं दो बार, और उसके बाद इसको इडली बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिए हैं एक भगोले, इसमें हम डालेंगे सूजी को, सूजी आधे के जी यहाँ पे लिए हैं। इसी कटोरी से हमारा सूजी दो कटोरी है, तो इसी कटोरी से एक कटोरी हम मीठी दही लिए हैं। खट्टी दही बिल्कुल आपको नहीं लेना है, मीठी दही लेना है आपको पास, आपके पास मट्ठे हो तो उसको भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे दही को हम डाल रहे हैं, बगैर दही का भी बना सकते हैं, फिर उतना काफी टेस्टी नहीं बनता है। तो यहाँ पे दही हमने डाल दिए हैं, दही डालने के बाद से इसी कटोरे से हम नाप कर डालेंगे दो कटोरे पानी। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से पहले इसको मिक्स करेंगे। तो पास आपका कम लग रहा है तो इसमें पानी और डाल सकते हैं आप, क्योंकि सूजी जो है पानी सोखता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे पानी और हम डालेंगे एक कटोरी, एक कटोरी के लगभग पानी और लग जाएगा हमारा इसमें। तो थोड़ी थोड़ी पानी करके हम इसमें डालेंगे। ये सूजी का इडली दोस्तों एक बच्चे छोटे से वो भी बना सकते हैं। देखिए काफी अच्छे से इसको हम फेंट लिए हैं, अब फेंटने के बाद देखिए इस तरह से है इसका गोल जो है आप देख सकते हैं। ज्यादा गाढ़ा इसको नहीं रखना है आपको, इसको इसी तरह से हम ढक दे रहे हैं, अभी 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट में छोड़ दे रहे हैं। तब तक यहाँ पे देखिए इसका हम चटनी पीस कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे लिए देखिए मैं छोटे टुकड़े अदरक का है, यहाँ पे 8-9 के लिए छोटे साइज में लहसुन का है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हरी मिर्ची है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मूंगफली के कुछ दाने लिए हैं। तो मूंगफली को आप भून कर छिलका उतार भी सकते हैं, छिलका वाले में मूंगफली पीस सकते हैं सिलबट्टे पे आप। तो चलिए इसका हम चटनी तैयार करते हैं, इसमें आप डालना चाहते हैं धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, आधे नींबू का रस इसमें हम चटनी में डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम नमक ले ले रहे हैं, अब इसमें हम नमक ले ले रहे हैं स्वाद के अनुसार से, और आधे नींबू का रस इसमें लेंगे हम। और चटनी पीस कर ला रहे हैं, तब तक हमारा सूजी भी काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा। तो इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना, आपको 5 से 10 मिनट तक रख सकते हैं इसको आप। अब दोस्तों यहाँ देखिए गैस को हम जलाएंगे, चटनी पीस कर हम लेकर आ गए हैं। यहाँ पे गैस को जला दिए हैं, अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी डालने के बाद से डालेंगे इसमें हम एक देते हैं, इसी हमको बहुत आसान रहता है, ये जैसे चलनी रहता है उसमें मिलता है दोस्तों। इसको आप हमारे वीडियो में हर वीडियो में देखे होंगे किसी पे हम रख कर बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जाने वाला थाली दो दो है दोस्तों, कि हमको ये बहुत आसान रहता है तरीका, इसलिए इसी में हम बनाते हैं। इसके ऊपर से हम इसको रख दे रहे हैं, अब इसको क्या करेंगे, पहले पानी को हम ढक दे रहे हैं, इसलिए ढकने के बाद से यहाँ पे सूजी को चेक कर ले रहे हैं, चटनी को साइड में ढक दे रहे हैं इस तरह से। तो सूजी देख सकते हैं आप लोग कितने काफी है हमारा, इसको पानी डाल दिया है बहुत काफी अच्छे से फूल भी गया है। तो इसको ज्यादा पानी इसमें डालने की आपका काम नहीं है कोई, और थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो आप थोड़ी सी इसमें पानी डाल सकते हैं। बाकी हमारा बहुत काफी अच्छे से बटर तैयार है, क्योंकि पहले इसमें भरपूर पानी डालकर इसको रखे थे फेंट कर। तो देखिए इसी तरह हमारा बिल्कुल एक गोल है जैसे गिर रहा है देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, डालेंगे नमक इसमें,
नमक डालने के बाद से नमक को पहले अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों हमारे पास इडली वाला मशीन नहीं है, हम इडली जब भी हमको खाने के लिए मन करता है इसी में हम बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम तेल लगा दिए इसमें, तो कटोरी में इस तरह से बहुत आसान तरीके से कच जाता है। जो भी कटोरी आपके पास हो वो कटोरा ले सकते हैं आप। दोस्तों इडली वाले मशीन हम लेने वाले हैं, देखिए कब तक ले पाते हैं। बस हमको थोड़ी थोड़ी इसका घोल डालना है, आप देख सकते हैं। सॉरी भूल गए दोस्तों, देखिए यहाँ पे इनो रखे हैं, जल्दीबाजी में कोई भी काम रहता है भूल जाते हैं। देखिए खाने वाला इनो है ये जो है, इनो को हम इसमें डालकर पहले अच्छे से मिला लेंगे। इनो भूल गए थे हम दोस्तों, ये रहता है कि ये जो हमारा काफी अच्छे से रूई जैसे बिल्कुल बन के तैयार होता है। तो आप लोग छोटे छोटे बात पर जानकारियां नहीं देते हैं, आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि कैसे आपका इतना काफी अच्छे बन गया है। तो वीडियो को आप लोग बना के देखेंगे तो वीडियो में आपको मालूम नहीं चलेगा क्या चीज डाले हैं। एक सेकंड का वीडियो आप बनाएंगे तो उतने में आपको मालूम नहीं चल पाता है कि क्या चीज हम डाले हैं, पहले कैसे बनाए हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत छोटे छोटे वीडियो के लिए हम बनाते हैं मिनट का। अब इसके लिए देखिए इसमें हम सबसे पहले घोल उठाएंगे, इस तरह से डाल देंगे, बस इतने ही हमको घोल को डालना है। तो दोस्तों ये मात्र आप लोग देख सकते हैं यहाँ से दो चीज से हम इसको इडली को बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप लोग जैसे देखे हैं इसमें इनो एक्स्ट्रा में बाद में डाले हैं, इनो आप डाल नहीं आपके पास, इसको एक घंटे के लिए आप भिगो के इसी तरह से सूजी को फेंट कर रख दीजिए, उसके बाद आपका बहुत काफी अच्छे मुलायम बन के इडली तैयार होगा। कटोरा में रखते समय भी हमारा ये फूलना स्टार्ट हो गया है, तब इसी तरह से इसको इडली को हम रख दे रहे हैं। एक साथ में हमारा चार इडली यहाँ पे बनके तैयार होगा, जैसे छोटे बड़े आपका बर्तन रहेगा उस तरह से आप देखते हैं कि हमारा कितने काफी अच्छे फूल के तैयार है। आप लोग देख सकते हैं वही जैसे इडली हमारा कितने काफी अच्छे से फुली फुली इडली बन के तैयार है। तो आप लोग इस तरह से इडली बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। देखिए कितने हमारे डब्बे जैसे इडली फूल कर तैयार है, तो इसको नीचे रख दे रहे हैं एक साइड में आईसी में। फिर क्या करेंगे, दूसरा इडली इसे कैसे हम तैयार करके रखे हैं तो इसमें रख दे रहे हैं। देखिए तो इसको आप टिफिन हो आपके पास छोटे छोटे कटोरे हो, ढक्कन हो तो उसमें भी बना सकते हैं आप, प्लास्टिक के ढक्कन में भी इसको इडली को। और फिर इसी तरह से हम इसको इडली को 5 मिनट पकाएंगे। दोस्तों जिसके पास मशीन नहीं रहता वो सोचते हैं कि कैसे हम इडली बना के खा सकते हैं दोस्तों, तो देखिए मेरे पास भी नहीं है तो हमको जब भी मन करता है दोस्तों आपके खाने के लिए जैसे देखते हैं इसको बनाने के लिए इडली दोस्तों, तो हम इसी तरह से बनाते हैं, इसी तरह से दोस्तों बच्चों को खिलाते हैं। इसमें भी दोस्तों इडली का स्वाद उसी तरह से आएगा, ये नहीं कि मशीन में दोस्तों स्वाद कुछ और आता है, इसी तरह से वो भी होता है। तो इसको इस तरह से रख दिया पक जाएगा, इसको भी निकाल लेंगे। इसके ऊपर से देखिए भारी जाके इसका गैस निकले हुआ, ठंडा हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार देखिए इस तरह से करके इसको अच्छे से घुमाएंगे। अब घुमाने के बाद से इसको देखिए कितने काफी अच्छी हमारा देखिए इडली बनके तैयार है, जालीदार देख सकते हैं आप लोग कि जाली कितने काफी अच्छे पड़ा है इस पे। इडली को हम इसमें रख रहे हैं, फिर इसी तरह से दूसरा भी इडली निकालेंगे। तो चाकू के सहारे से आप करिए इस तरह से इडली को निकालते जाइए इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से सारे इडली को हम निकालेंगे, ठंडा हो जाएगा तो बिना चाकू का इडली निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हम तेल लगाए हैं। तो देखिए कितने हमारे रोए जैसे इडली बन के तैयार है। आप लोग देखिए कितने बिना मशीन के दोस्तों इडली कितने काफी अच्छा हमारा बनके तैयार हो गया है। ये दोस्तों बिना दांत के लोग भी खा सकते हैं इडली को, ये नहीं सोचना है दोस्तों कि वो बिना दांत वाले लोग कैसे खाएंगे। तो चलिए दूसरा भी इडली इसी तरह से निकाल ले रहे हैं, बनाकर तैयार हो गया होगा काफी अच्छी इडली। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमारा इतना सारा इडली रोई जैसे दोस्तों इडली बनकर हमारा तैयार है दोस्तों, बहुत काफी टेस्टी इडली बनके तैयार है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितने काफी अच्छी इडली हमारा बना है दोस्तों यहाँ पे। ये बिल्कुल दोस्तों मुंह में जाते समय इडली घुल जाएगा, तो इस तरह से इडली दोस्तों आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।